हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बैकग्राउंड देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल, रखती हूँ क्या क्या स्टोर करके और किस तरीके से रखती हूँ। मेरा सारा का सारा मेकअप का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेकअप के जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उनका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और मैं वो सारा कुछ किस ड्रॉर में रखती हूँ ये तो आपको पता ही है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, कुछ कुछ सामान रहता है जो कि ज़्यादा यूज में नहीं आता है, बस यही है। तो आज मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि चलो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, एक छोटा सा क्लिप, वीडियो क्लिप अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर। सो चलिए, अब मैं टेबल, ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से। यार मेरा कैमरा कैच ही नहीं करता है। ये मेरा डेली यूज़ का ड्रॉर है जिसमें आप देख सकते हो मैंने कुछ थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा ही सामान रखा है। यहाँ पर मेरे कुछ बैंगल्स हैं और यहाँ एक या दो टाई वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पर एक या दो बैंगल्स है और टाई रखी हुई है। और इस साइड पर डेली यूज़ का सामान होता है हमारे यहाँ, स्पिन्स का बेबी क्रीम और स्पिन्स बीबी पाउडर और जॉनसन बेबी पाउडर यूज़ होता है। मॉइस्चराइज़र के लिए नीविया क्रीम 21, जॉनसन बेबी मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ होता है। और यहाँ है गुड वाइब्स का परफ्यूम क्रीम, ये मैं ही यूज़ करती हूँ और कोई यूज़ नहीं करते। और यहाँ है विक्स और यहाँ पर है डिओड्रेंट, मेरे बड़े बेटे सैफो यूज़ करते हैं। और यहाँ है जॉनसन बेबी पाउडर, ये है डाबर आलमंड हेयर ऑयल, हमारे घर में यही ऑयल यूज़ होता है, और पैराशूट ऑयल यूज़ होता है। और यहाँ इस ड्रॉर में मैंने मेरा डेली यूज़ का सामान होता है, सेफ्टी पिन्स होते हैं, हेयर बैंड्स होते हैं, क्लचेस क्लिप्स होते हैं, हेयर क्लिप्स होते हैं। मैं अपना डेली यूज़ का सामान रख लेती हूँ, जो भी हाथ लगता है वो सारा कुछ मैं इसी में डाल कर रखती हूँ। अब यहाँ आते हैं नीचे की साइड पे, तो यहाँ दो पाउडर पफ रखे हुए हैं। और पहले मैं ये वाला कोम यूज़ करती थी, अब इसको मैंने छोड़ दिया, ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं यूज़ करती हूँ वुडन कोम्ब, ये आप देख सकते हो, एक मेरा है और एक बाकी घर वाले यूज़ करते हैं, एक हॉल में मैंने रखा हुआ है इसी तरह का वुडन कोम्ब। अब इस साइड का तो मैंने सारा कुछ आपको दिखा ही दिया है और अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, अगर मैं फ़ैन खोलूँगी तो वॉइस में प्रॉब्लम हो जाएगी। और सो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करती हूँ। यहाँ पर है ये मेरा हेयर कलर है, यहाँ इस कंटेनर में मुल्तानी, नहीं सॉरी, इस कंटेनर में मैंने स्टोर करके फिटकरी का पाउडर स्टोर करके रखा हुआ है। और यहाँ है मुल्तानी मिट्टी और यहाँ है रोज़ पेटल्स पाउडर गुड वाइब्स का। और इसके बाद यहाँ पर है क्या बोलते हैं, एप्पल साइडर वेनेगर रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, सेब का सिरका। और यहाँ मेरा हेयर कलर रखा हुआ है और ये छोटा सा पाउच है जिसमें मैं छुट्टे रखती हूँ, कुछ चिलर पैसे रखती हूँ, जब भी बच्चे मन करता है तो मांग लेते हैं तो यहाँ रखे होते हैं तो वो ले लेते हैं। और यहाँ मेरे हेयर केयर रूटीन के कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। यहाँ है ओजोन का नीम मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, नीम का ड्राई फेस पैक फॉर क्लियर ग्लोइंग स्किन, ओजोन का मैं बहुत पसंद करती हूँ, मुल्तानी मिट्टी हो या फिर कोई भी पाउडर हो। और यहाँ है अल्फ गुडनेस का लोटस पाउडर और यहाँ है अल्फ गुडनेस का रोज़ पेटल्स पाउडर, गलती से मेरे पास दो दो आ चुके हैं, गुड वाइब्स का है एक, अल्फ गुडनेस का है। और यहाँ पर है अल्फ गुडनेस का एलोवेरा लीफ पाउडर, हेयर केयर के लिए मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ है इसी ब्रांड का अल्फ गुडनेस का मेथी पाउडर, ये भी हेयर केयर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और सबसे पीछे आपको दिख रहा होगा ये मेरी एक्सरे रिपोर्ट है, मेरे टेस्ट के सारे पेपर्स इसी में रखे हुए हैं, कहीं खो ना जाए इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, मैं भूल जाती हूँ। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मेरा ट्रीटमेंट भी रुक गया है, तो मैंने अभी अपनी रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर को नहीं दिखाया। और ठीक है, इसके बाद लॉकडाउन जब खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तब मैं अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। अब यहाँ पर इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं इस साइड पर। अब यहाँ पर रखे हुए हैं सारे ये गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स हैं, गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल है, गुड वाइब्स का पपाया हाइड्रेटिंग फेस क्रीम, इस वाले क्रीम को किस तरह से मैं अप्लाई करती हूँ, किस तरह से यूज़ करती हूँ, मैंने सारा कुछ आपको आपके साथ शेयर किया हुआ है। और यहाँ है गुड वाइब्स की ग्रीन टी
ग्रीन टी फेस क्रीम और ग्रीन एप्पल जेल एलोवेरा सूथिंग फेस क्रीम। सो यहाँ ये सब कुछ रखा हुआ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेने पर आपको 50% डिस्काउंट चलता है, ऑफ़र चलने पर, बहुत सारा ऑफ़र चलता रहता है, तो तभी मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स 50% डिस्काउंट पर मंगाया हुआ था। अब यहाँ पर है पतंजलि का सौंदर्या एलोवेरा जेल, केसर चंदन, हिमालय का एंटी डैंड्रफ हेयर क्रीम, वाटिका का हेयर केयर क्रीम, बायोटिक का, ये ऑयल जो है मैं बॉडी पर यूज़ करती हूँ, कैरेट सीड एंटी एजिंग आफ्टर बाथ बॉडी ऑयल। इस ऑयल को मैं नहाने के बाद यूज़ करती हूँ। इस ऑयल से आपकी स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते हैं और आपकी स्किन भी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है, ऑयली बेस नहीं होता है, कुछ देर बाद अच्छे से हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। सो बॉडी लोशन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बॉडी ऑयल में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, किसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था। सो यहाँ पर है मेरे लेंसेस और यहाँ है हिमालय का एप्रिकॉट स्क्रब, हिमालय का फेस वॉश, बायोटिक का एजलेस सीरम। ये समर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ऑयली बेस नहीं होता है। मैं समर्स में ऑयली बेस के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ, वरना मुझको पिंपल्स आने लग जाते हैं क्योंकि मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है। अब यहाँ पर है मेरे सारे बैंगल्स, मैंने यहीं रखे पड़े हुए हैं, और यहाँ है मेरा, क्या बोलते हैं इसको, जूड़ा ही बोलते हैं, हाँ इसको जूड़ा ही बोलते होंगे आई थिंक, क्या बोलते हैं। ये मेरे देवर की शादी में मैंने लिया हुआ था, लिया नहीं था, देवर ने ही दिलाया हुआ था सभी को, मेरे देवरानी को, सभी को, मेरी नंद, हम सभी लोगों ने सेम जूड़ा लिया हुआ था हाथ का, तो सेट सभी के सेम ही थे, कलर सेम था, सब कुछ सेम ही था। अब मैं आपको यहाँ लेके आती हूँ। अब मैंने यहाँ पर स्टोर करके रखा, इस जगह पर मैं अपने सारे परफ्यूम रखती हूँ, यहाँ तक मेरे परफ्यूम हैं और यहाँ पर मेरे मिस्टर के परफ्यूम रखे हुए हैं, और उनके बहुत ज़्यादा कम हैं, मेरे बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये तो अभी मैंने खोले भी नहीं है, वीडियो बनाने के टाइम पर मैंने सोचा कि चलो खोल के दिखा दूँ, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा गाइस, कैसे दिखाऊँ, तो चलो थोड़े से ओपन करके दिखा देती हूँ। ये तो देखिए, ये अभी यहाँ के परफ्यूम मैंने अभी ओपन नहीं किए हैं, ऐसे ही रखे पड़े हैं। तो आपको मेरे किसी वीडियो में दिख जाएंगे जब मैं खोल कर ओपन, इसको ओपन करके इनको यूज़ करूँगी, तब आप देख सकते हो। और यहाँ जो जितने भी ओपन करके रखे हुए हैं, मैं उतने ही अपने मूड के हिसाब से यूज़ करती हूँ, जहाँ कहाँ मुझको जाना है, कौन सा दिन मेरे लिए कैसा है, उसी हिसाब से मैं अपना परफ्यूम स्प्रे करती हूँ। और ये सारे परफ्यूम मिस्टर ने मेरे लिए, ये सारे के सारे परफ्यूम मिस्टर ही लेकर आए हैं, और ये मेरे मिस्टर के परफ्यूम हैं। यहाँ एक आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला परफ्यूम मिस्टर को उनके फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, उनके दोस्त ने उनको गिफ्ट किया है, अभी उन्होंने इसको ओपन नहीं किया, अभी ये सारे परफ्यूम चल रहे हैं तो उन्होंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। उनके बेस्ट फ्रेंड ने दिया है आई थिंक, जी हाँ, मेरे मिस्टर के बेस्ट फ्रेंड ने उनको ये गिफ्ट किया है। अब आप देख सकते हो यहाँ। अब आते हैं नीचे की साइड पर। यहाँ मैंने रखा हुआ है जॉनसन बेबी ऑयल, क्योंकि इसको अभी मैंने यूज़ करना शुरू नहीं किया है, छोटा सा था मेरे पास जॉनसन बेबी ऑयल बॉटल, छोटा सा था, वो ख़त्म हो गया, तो मैंने मिस्टर से बोला कि जॉनसन बेबी ऑयल ख़त्म हो चुका है, तो उन्होंने इतना बड़ा वाला बॉटल ला लिया, तो अभी इसको ओपन करना है। सो गाइज, यहाँ पर मेरे मिस्टर के स्पेक्स और वॉचेस वगैरह रखे हुए हैं, मेरे बच्चे भी यहीं अपनी वॉचेस रखते हैं, ये वॉच है सैम बाबा की, और ये वाली स्पेक्स भी मेरे सैम बाबा की हैं, और ये वाली सैफू की है, और ये सैम बाबा का है, ये वाली अभी किसी ने यूज़ नहीं की है, मिस्टर ही लेकर आते हैं सारा कुछ, तो ये वाली भी सैफू की है, उन्होंने अभी यूज़ करना शुरू भी नहीं किया है, और ये भी सैफू की वॉच है, ये सैम बाबा की वॉच है, और ये वाली मेरी है, मैं इसको जब भी हम हमारे गांव जाते हैं तब मैं इसको पहनती हूँ, ये देखिए, कहीं दूर जाना होता है तब मैं पहन लेती हूँ।
अपने फेस को अच्छे से ढककर इस स्पेक्स को मैं पहन लेती हूँ। और यहाँ भी एक स्पेक है, ये मिस्टर की है, मिस्टर के और भी बहुत सारे स्पेक्स रखे हुए हैं बट वो भी हमने यहाँ नहीं है, वो हमारे दूसरे घर में है और ज़्यादा वो स्पेक्स यूज़ नहीं करते हैं, एक या दो ही स्पेक्स यूज़ करते हैं बट वही सभी लोग उसी स्पेक्स को, उन्हीं स्पेक्स को यूज़ कर लेते हैं। और ये जो स्पेक्स हैं सैफू की और मिस्टर के और मेरे देवर के, सभी कुछ एक जगह रखे हुए रहते हैं, सभी सभी लोग एक ही साथ पहनते हैं, चाहे वो वॉचेस हो या फिर हो स्पेक्स। तो यस, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ नीचे उस बॉक्स में मेरे बैंगल्स, मेरी कांच की चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं और यहाँ नीचे के नीचे वाले ड्रॉर्स में क्या है ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करना है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, फिलहाल तो कुछ खास नहीं है वरना मैं आपको उसका भी रिव्यू शेयर कर देती है। बस जो भी है यही है। तो मैंने आज इनको, इन सबको क्लीन किया तो मेरे माइंड, मेरे दिमाग में मैंने सोचा कि चलो ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरा सारा मेकअप का सामान मेरे ड्रॉर में रहता है जो कि उसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और यहाँ एक बॉक्स में रखती हूँ, जब भी हम गांव जाते हैं तब मेरा जो भी सामान होता है, परफ्यूम की बॉटल और कुछ भी मेकअप का सामान या फिर कुछ भी ज़रूरत का सामान होता है इसमें मैं रख लेती हूँ, या फिर मेरे पास एक बैग है उसमें मैं रखती हूँ अपना सामान। तो अगर एक या दो दिन के लिए जाऊंगी तो सारा सामान रखकर जाती हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक जाऊंगी तो मैं इस तरह के बैग में अपना सामान स्टोर करके रख लेती आए थे। और उनको पता है कहीं भी जाऊंगी तो अपनी दुकान साथ में लेकर जाऊंगी, तो उन्होंने इसीलिए मेरे लिए ये बैग लाया और बोला कि आपका जो भी हो सामान इसी में स्टोर करके रख लेना, तो इस बैग में मेरा सारा सामान होता है और तो अपना सामान मैं इसी में स्टोर करके अपने गांव जाती हूँ। मैंने आपके साथ अपना बैग हॉल शेयर किया हुआ था तो उस वाले वीडियो में ये वाला बैग नहीं था क्योंकि मुझको याद नहीं आया, वरना उस वीडियो में मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी इस बैग को भी शेयर कर देती बट नहीं कर पाई। ये आप देख सकते हो अंदर से ये कुछ इस तरह से, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर आप कुछ भी, यहाँ से इसको कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो और यहाँ से आपको छोटा सा एक यहाँ कुछ रखा हुआ है, कुछ तरह का बैग है और ये इसका क्या बोलते हैं इसको, हैंडल है इसका, तो अभी तक मैंने इस हैंडल को यूज़ नहीं किया। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।